अभी मैं घूम फिर के आई हूँ और हम लेडल, लेडल नाम है ना, लेडल 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 जा रहे हैं क्योंकि आज मैंने पाकिस्तानी खाना बनाना है. घर में बहुत से लोग ऐसे जो वेजिटेरियंस हैं तो उनके लिए आज मैं बनाऊंगी. हम कुछ शॉपिंग, ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रहे हैं. पहुँच गए, पार्क कर लिया, चलें ग्रोसरी शॉपिंग. पार्किंग यहाँ भी आप देखें कितनी अच्छी स्पेस है पार्किंग की. और अब हम अंदर जाएंगे. आतिफ भाई कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं. सफाई का हर जगह बहुत ख्याल है. चलते हैं अंदर, देखते हैं स्टोर कैसा है. ट्रॉली निकाली जा रही है. यहाँ से हो रहे हैं एंटर. मैं पापा राजी बन चुकी हूँ इस वक्त मुकम्मल. ऑरेंज, ये आई थिंक आलू बुखार जिनको हम कहते हैं, कीवी, केले, अच्छा अवाकाडोज, मैं कीवी कह रही हूँ. और ये देखिए शिमला कितनी खूबसूरत लग रही है. ऐसे लग रहा है कोई डेकोरेशन के लिए, सब्जी नहीं है डेकोरेशन के लिए. फ्रूट, खरबूजा है यहाँ का, पीच, आपको बच्चे बोलते हैं ऐसे आपको वीडियोस देख देख के. अब हम सब्जी सेक्शन की तरफ जाएंगे. ये पैक में ही है सब सब्जियाँ. इसमें मशरूम्स भी हैं, गाजर भी है, फलियाँ जिसको हम कहते हैं कॉर्न भुट्टा वो भी है. और ये हमारी ट्रॉली है, इसमें रख लेते हैं. ये रख दिया, अब हम चलते हैं. अच्छा आतिफ भाई, वो गोश्त का मुझे बता रहे थे, हलाल गोश्त मिलता है यहाँ से? लेकिन ये जो सुपर मार्केट है इससे हलाल गोश्त नहीं मिलता. हम लोग हमारे घर के बिल्कुल पास है टर्किश, यहाँ पर क्योंकि टर्क कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, 6 मिलियन के करीब जर्मनी में रहते हैं, उनकी शॉप्स हैं. क्योंकि हमें मीट भी खरीदना है, हम सोचते हैं ना कि कैसे हलाल गोश्त देते हैं, तो आपको वो जगह भी दिखा दूँ. घर से करीब है, हाँ मेरे पास. चलें इसके बाद हम वहाँ से आज खाना बनाएंगे. ये क्या लिया? ये मैंने जो खिड़की है ना, हाँ नॉर्मली खिड़कियों में जो हुक होता है उसमें जो चाबी है, तो इसका मतलब है कि आप लॉक भी कर सकते हैं. ओके, लेकिन आप लोग तो चाबी लगी छोड़ जाते हैं. खिड़की में लगी जाता, अच्छा है, जरा हवा से बच जाएंगे. नहीं, चाबी का है ना मामला. ओके ओके, चाबी हवा से नहीं बचाती. स्टेपलर है तो लकड़ी में कील लगाने के लिए ये इस्तेमाल होता है. ओके, क्योंकि आप लोग सारे घर के काम खुद करते हैं. जबरदस्त. तो ये सारी जो चीजें हैं ये लोग ही लेके जाते हैं, गार्डनिंग भी करते हैं खुद ही ना? यहाँ पर छोटे कामों के लिए आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते बाहर, बहुत महंगा है. देखो ये नीचे नजर आ रहा है हल्टू, एक लाल है, दो हरा है, तीन पीला और चौथा ग्रीन है. जो ग्रीन है वो सबसे महंगा है, ग्रीन सबसे महंगा है. और ये देखो ऊपर, इसलिए जो ग्रीन वाले हैं ये सबसे महंगे हैं. 7.9 है और इसकी क्या प्राइस है? देखें ये 4.8. ये जो है ये जो व्हाइट में है ये 2000 ग्राम है, यानी 2 किलोग्राम है. और ये है 8 यूरो का. और ये जो है ऊपर ये सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम है. और ये है उतने ही प्राइस का, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है बगैर फीट वाले. तो ये इस तरह पूरा रैक है, यहाँ पर नंबर होते हैं. देखिए अगर आप नंबर देख रहे हैं, ये मैं पढ़ रही थी, यहाँ पर भी देखें 1, 2, 3, 4. जो एक है सबसे खराब है, जो 4 है वो सबसे ग्रीन है, जो सबसे महंगा. तो ये अगर आप ऊपर देखें तो वो सारे 4 मिलेंगे. यस. और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ कि यहाँ पर लोग कोला यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करते हैं और जूसेस वगैरह ज़्यादा पीते हैं. वो कार्बोनेटेड नहीं होते क्योंकि कुछ जूसेस भी तो ऐसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मिलते हैं. तो यहाँ जो मिलता है वो क्या? नहीं, वो कार्बोनेटेड नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा देखिए यहाँ पर मसला जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है वो यहाँ तो पानी भी कार्बोनेटेड पिया जाता है इसको, जिसको हम आज मैंने पिया था स्प्रूडल वाटर, जर्मन में उसको कहते हैं स्प्रूडल वासा. तो इसका मतलब कार्बन प्रॉब्लम नहीं है, कार्बोनेटेड वाटर प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पर कोका कोला वगैरह को अवॉइड करने की वजह शुगर है, उसमें बेहद शुगर ज़्यादा होती है, कई गुना ज़्यादा होती है. और मैं भी जब आज दूसरा दिन हो गया मुझे यहाँ आए हुए, मैंने वही कार्बोनेटेड वाटर कह रही हूँ, स्पार्कल्ड वाटर पिया मैंने. लेकिन वहाँ पर जो पानी है घर का जो टैप वाटर वो बहुत ही अच्छा और वो बिल्कुल उसका टेस्ट बहुत अच्छा है. हमारे यहाँ आप कभी घर का पानी मतलब टैप वाटर पहले हम पीते थे बचपन में, ये गाजरे यहाँ ये लोकल इसी इलाके की हमारी अपनी गार्डन है, बाकी देखा आउस डॉयचलैंड, जर्मनी की अपनी गार्डन है. तो कभी पहले बचपन में पीते थे ना तो पानी का टेस्ट अच्छा था, अब तो आप पी भी नहीं सकते वो, या सॉल्टेड होगा बहुत ज़्यादा या ऐसा अजीब सा टेस्ट होगा कि आप नहीं पी सकते. ये लाल प्याज
सैलेड के लिए और ये जो है ये नॉर्मल खाने, अच्छा ये खाने के लिए, और ये वाले इनमें डिफरेंस क्या है? मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अच्छा, मुख्तलिफ टेस्ट होता है। चलिए बाकी सब ज्यादातर लोग यहाँ पर सूप के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके, इंडिकेटर्स आते हैं भाई, ये ग्रीन, बहुत ग्रीन, ग्रीन सबसे अच्छा है, ग्रीन सबसे अच्छा है, ग्रीन सबसे अच्छा है, और रेड सबसे बुरा है। अच्छा, रेड सबसे बुरा है। तो अभी जैसे ये है, शुगर, शुगर तो है लेकिन इसमें कम होगा, लेकिन ये देखें मिसाल के तौर पर ये वाला जो है ये सबसे ज्यादा बुरा है। कीमत लें, अच्छा लोग अपनी मर्जी से फिर लें ना, आप पे खुद पे है। ये क्या है? ये भी ऑरेंज है, और लेकिन ये इसका देखते हैं कि क्या है इसका इंडिकेटर। मैं तो यही समझने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे झूठ नहीं बोला जाता एक्चुअली लोगों से, फिर आप कहते हैं कि मैं बुराई कर रही हूँ। आती फिर मैं मुल्क की बुराई कर इसकी भी रेशो ये तो वीगन है, ये नहीं, वो तो है, लेकिन 55% ये जो प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक भी 55% रिसाइकलेबल है। इसका क्या मतलब होता है? ये रहेगा डेढ़ महीने तक, आप डेढ़ दो महीने तक इसको बाहर रख सकते हैं, आप बाहर रख सकते हैं खोलने के बाद, खोलने के बाद फिर मैंने खोलने से पहले आप बाहर रख सकते हैं। ओके नाइस, और ये जल्दी खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है? कौन सा? ये वाला नहीं, ये कौन सा वाला? ये भी ग्रीन वाला, ग्रीन वाला जो ये बायो है, रहेगा उतना ही लेकिन ये महंगा सर। ये जो जो जिन गाय, ये जो गाय हैं जो खुले प्योर, प्योरेस्ट फॉर्म है ये, यानी ऑर्गेनिक जिसको हम बोलते हैं। ये महंगा है और ये है बायो फुल फैट के साथ। ये ट्रॉली भर गई है कुछ कुछ लेते हुए। यीस्ट आप दिखा रहे हैं जो तैयार हालत में है, और ये चीज भी ले ली है। आते भाई शौक से बनाते हैं पिज्जा, और मार्केट से सस्ता पड़ जाता है, मार्केट में तो बहुत महंगा हो गया है। एक जो एक पिज्जा है वो करीब कोई 12-13 यूरो का है। सही, और हम घर पे अगर हम बनाए तो तो हमें 1.5 यूरो का पड़ेगा, बहुत सस्ता है फिर, और काफी दफा बना सकते हैं आप इसमें। ये अब यीस्ट देख रहे हैं, खमीर जिसको हम उर्दू में बोलेंगे, ये फ्रेश है। दो सूत्र होते हैं, एक पाउडर वाला होता है और एक ये होता है, ये जरा तेज होता है, जबरदस्त। ये तकरीबन एक हफ्ते की ग्रोसरी है, और अभी देखते हैं कि यहाँ पर कितने की एक हफ्ते की ग्रोसरी आ जाती है, मतलब कितना खर्चा आता है। ये 63 यूरोस का ये आया है, अभी इसको हम मतलब कितने रुपीस बन जाएंगे पाकिस्तानी रुपीस, कार्ड से भी होता है हर चीज़ तकरीबन, कार्ड से चलती है।